नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में बोले सीएम योगी। कहा, नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान से जुड़े युवा, नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को कमर कस कर तैयार है सरकार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से एक दिवसीय जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के लैंगिक न्याय, दिव्यांगता के पीड़ितों, यौन उत्पीड़न के सर्वाइवर्स के प्रति संवेदनशील बनाने के विषय पर सेमिनार का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, महज कागजों के आधार पर फैसले नहीं, संवेदनशीलता का भी रखे ख्याल। सीएम योगी ने किया नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का अनावरण के साथ नवनिर्मित सभागार व प्रेरक परिषद भवन का भी लोकार्पण। कहा, तकनीकी आवश्यकता पर है संवेदनशीलता अपरिहार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है बहुत महत्वपूर्ण। संवेदनशील दृढ़ इच्छा शक्ति से तकनीकी का उपयोग होने पर होता है बेहतर लोक कल्याण। एक छात्र लुटेरे मनीष शाहनी को शाहपुर थाने के पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। लूट का एक मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। और ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने गोरखपुर व बस्ती मंडल के अध्यापकों के साथ की बैठक। कहा, पुरानी पेंशन बहाल करवाना ही है हमारी पहली प्राथमिकता। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रथम स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भाग लिए, जहां पर उन्होंने छात्रों को सम्मानित किया व अपना उद्बोधन दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। उसके बाद मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत नाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे, सोमवार को लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री एवं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कार्य योजना बनाकर निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है। नशे के सौदागर वर्तमान पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसके दृष्टिगत ड्रग व जहरीली शराब के माफियाओं पर सख्ती के लिए कमर कस ली गई है। सभी युवा सरकार के इस अभियान का हिस्सा बनकर प्रदेश को नशा मुक्त करने में, सबको स्वस्थ रखने में अपना योगदान दें। सीएम योगी रविवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय आरोग्य धाम बालापार गोरखपुर के प्रथम स्थापना दिवस समारोह व इस उपलक्ष्य में 22 अगस्त से चल रहे युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर चुनौती को हमें अवसर के रूप में लेना चाहिए और परिणाम की तत्कालिक चिंता किए बगैर चुनौती से निपटने की कार्य योजना बनाकर शुरुआत कर देनी चाहिए। सीएम ने कहा कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के दिए ज्ञान कर्मठे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना का अनुसरण करते हुए कार्य की अच्छी शुरुआत करेंगे तो उसकी शानदार सफलता कार्य प्रारंभ होने के साथ ही परिलक्षित होने लगेगी।
कार्य की अच्छी शुरुआत होगी तो कोई भी बाधा, कोई भी ताकत सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि इसी धारणा को अंगीकार कर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपने कदम बढ़ाए और चुनौतियों के बावजूद सफल परिणाम एक साल से कम समय में ही दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च के काफी अवसर हैं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की स्थापना का यह भी एक प्रमुख उद्देश्य है कि शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च को आगे बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी यही मंशा है, भारत को शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में ग्लोबल नंबर वन रैंक हासिल करनी है। सभी विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा संस्थान शोध के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए यह रैंक हासिल कर सकते हैं। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस उसे करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देश व प्रदेश का शानदार कोविड प्रबंधन इसका प्रमाण है। हमारे कोविड प्रबंधन की सर्वत्र सराहना हुई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जब कोरोना का पहला केस आया तो यहाँ कोरोना जाँच के लिए एक भी लैब नहीं थी। पहला सैंपल हमें पुणे भेजना पड़ा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के पास प्रतिदिन 4 लाख कोविड टेस्ट की क्षमता है। यह अच्छी शुरुआत का अच्छा परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश 40 साल तक एंसेफलाइटिस से त्रस्त रहा। पूर्व की सरकारों ने उपचार की गंभीरता नहीं दिखाई, इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50,000 बच्चों की मौत हो गई। जापान ने तो एंसेफलाइटिस वैक्सीन वर्ष 1905 से 1906 में ही बना ली थी, लेकिन इसे भारत आने में 100 साल लग गए। इसके लिए भी सदन में मुद्दा उठाने के साथ सड़क पर आंदोलन करना पड़ा, जबकि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश ने महज 9 माह में कोरोना की वैक्सीन बना ली। वैक्सीन की देश में 200 करोड़ डोज तथा प्रदेश में 36 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना के संकट काल में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जीवन के साथ जीविका की भी रक्षा की गई। प्रवासी कामगारों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। हर गरीब के लिए फ्री राशन, भरण पोषण, भत्ता की व्यवस्था की गई। देश में 80 करोड़ तथा प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। सबको मुफ्त कोरोना जांच, इलाज व वैक्सीन की सुविधा दी गई। सीएम योगी ने कहा कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय अपने संस्थानों के बताए रास्ते पर चलते हुए शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहा है। यहाँ के परिसर में स्थित चिकित्सालय लोगों को चिकित्सा सेवा कर रहा है। इसी सिलसिले में विश्वविद्यालय द्वारा उन बीमारियों पर भी शोध किया जा रहा है जिसके कारण अकस्मात मौतें होती हैं। विश्वविद्यालय में हाल ही में एक शोध अध्ययन से चूहे के मूत्र से होने वाली गंभीर बीमारी का पता लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के BAMS पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। आयुर्वेद के विद्यार्थी नए शोध कर उन्हें पेटेंट करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संयोगवश आज ही प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। 28 अगस्त 2021 को एक ही दिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन व गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। आयुर्वेद के क्षेत्र चिकित्सा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ ही औषधीय पौधों के क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। आयुर्वेद के छात्र शोध के जरिए उन वनस्पतियों को आरोग्यता के अनुकूल बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को प्रदेश के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए सरकार ने अभ्युदय कोचिंग की शुरुआत की है। फिजिकली और वर्चुअल कोचिंग के साथ ही युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। कोरोना के चलते सेमीकंडक्टर का उत्पादन प्रभावित होने के बावजूद अगले 5 वर्षों में प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अब हर युवा तकनीकी रूप से सक्षम बनेगा और पूरी दुनिया की जानकारी उसके जेब व हाथ में उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर द्वय युग पुरुष महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज व राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति को नमन किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन महंत द्वय युग दृष्टा थे। महंत दिग्विजयनाथ जी ने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर पूर्वी उत्तर
प्रदेश में शिक्षा की अलख जगाई थी। 1956-57 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने शिक्षा परिषद के 2 कॉलेज दान में दिए थे। सदैव उनके ही मार्ग का अनुसरण महंत अवैधनाथ जी ने किया। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की परिकल्पना ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने ही की थी। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की कमी कभी महसूस की जा रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसे दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि गोरखपीठ का शिक्षा से सदैव लगाव रहा है और पीठ के संरक्षण में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की तरफ से संचालित दर्जनों संस्थाएं इसका प्रमाण है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि कायाकल्प योजना से आज सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की तस्वीर बदल दी है। इस योजना की ही देन है कि उनका गृह जिला प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में 73वें स्थान से 7वें स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश केंद्र की लगभग सभी योजनाओं में देश में नंबर 1 है। श्री चौधरी ने महाराजगंज में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सीएम योगी के प्रति आभार जताया। स्वागत संबोधन में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल बाजपेयी ने विश्वविद्यालय की प्रगति और यहां संचालित पाठ्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय अपने कुलाधिपति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर को ज्ञान की नगरी बनाने के संकल्प को पूरा करने में जुटा है। इसी मंशा को आगे बढ़ाते हुए अगले वर्ष तक 150 MBBS सीटों के साथ यहां मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो जाएगा। ज्ञान अनुसंधान व रोजगार आदि के लिए विश्वविद्यालय ने साल भर में ही कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ आदान प्रदान किया। समारोह में आभार ज्ञापन गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रधानाचार्य डॉक्टर DS अजीता ने किया। समारोह में प्रदेश सरकार के शिक्षा सलाहकार एवं UGC के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर DP सिंह, प्रदेश सरकार के फार्मा सलाहकार एवं पूर्व औषधि महानियंत्रक GN सिंह, राज्य आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल RP शाह, गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे, महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक श्री राम चौहान, महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, राजेश त्रिपाठी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी, BRD मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, BHU के प्रोफेसर रामचंद्र रेड्डी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार राव आदि की विशिष्ट भागीदारी रही। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न पाठ्यक्रमों व गतिविधियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले मेधावियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने उनसे आत्मीय संवाद करते हुए उनका उत्साह भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर में पौधे की देखभाल करने वाले तथा परिसर में 501 पौधे लगाने वाले नागेंद्र पांडे को भी सम्मानित किया। अपनी परंपरा के अनुसार ज्ञान और अन्वेषण के लिए दूसरी संस्थाओं के साथ आदान प्रदान कर रहा है। एम्स गोरखपुर, BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर और आयुष विद्यालय गोरखपुर में इस MOU में शामिल हैं। अपने छात्रों की नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए और एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद से MOU किया है। छात्रों को दवाओं की बनाने की विधि सिखाने के लिए वैद्यनाथ फार्मेसी से MOU इसी वर्ष हो चुका है। इस सब का फायदा हुआ कि बच्चों को जो बाहर क्या क्या एक्चुअली में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मिल रही है। हमारे छात्रों की निरंतर ज्ञान वृद्धि करने के लिए इस वर्ष 8 मेडिकल सेमिनार इसी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजन किया गया। निशा कुमारी राणा, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, फर्स्ट ईयर, सेकंड पोजीशन। प्रियंका निशा, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट। रजनीश सिंह, डिप्लोमा इन प्रियांशी कुमारी रूपम पटवा, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, फर्स्ट ईयर, सेकंड पोजीशन।
तिवारी डिप्लोमा इन एमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, पल्लवी सिंह एएनएम, कुमारी रंजना एएनएम फर्स्ट ईयर सेकंड पोजीशन, शिवांगी सिंह एएनएम सेकंड ईयर फर्स्ट पोजीशन, विजेता चौरसिया एएनएम सेकंड ईयर सेकंड पोजीशन, प्रिया श्रीवास्तव, दीक्षा वर्मा जीएन, साध्या प्रजापति, श्वेता सहानी जीएनएम, नीलम शर्मा जीएनएम थर्ड ईयर सेकेंड पोजीशन, शिवांगी मिश्रा बीसी नर्सिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट पोजीशन, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर फर्स्ट पोजीशन, ईयर सेकेंड पोजीशन, प्राची यादव ईयर फर्स्ट पोजीशन, मानसी पांडे, सेकेंड पोजीशन, बीएमएस फर्स्ट ईयर फर्स्ट पोजीशन, रागिनी प्रजापति जीएनएम, अमृता पाठक बीएससी नर्स, तो में अव्वल रहे विद्यार्थी वीनू मिश्रा बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर, विश्वविद्यालय का यह प्रथम स्थापना दिवस है क्योंकि इस क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की कमी महसूस हो रही थी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के नौजवानों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो कदम उठाया वो बहुत ही सराहनीय रहा है। वैसे तो गोरक्षपीठ महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के रूप में जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बहुत ही अभाव था उस समय से यह पीठ शिक्षा के दिशा में चाहे वो गोरखपुर हो चाहे महाराजगंज हो दर्जनों संस्थाओं को खोल करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नौजवानों को अवसर देने का काम किया है। मित्रों, जहां तक भारत सरकार का सवाल है और उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है, अगर भारत सरकार का देखें तो मोदी जी की सरकार आने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बदलाव किया है। अभी कोविड के काल में जब तमाम विद्यालय बंद हो गए थे विद्यार्थियों का साल खराब ना हो उसके लिए हमारी भारत सरकार ने भी और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाया ताकि छात्रों का साल बर्बाद ना होने पाए। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि कायाकल्प योजना के तहत जहां पर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ते थे जिनके मां बाप अब सरकारी विद्यालयों में भेजने से कतराते थे, इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में भेजना चाहते थे, लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद जो गोरक्षपीठ का सदैव से शिक्षा के प्रति लगाव रहा है कहीं ना कहीं योगी जी ने
कायाकल्प योजना ला करके उत्तर प्रदेश के गांव के विद्यालयों को प्राइमरी पाठशालाओं का जो कायाकल्प करने का काम किया है वो ऐतिहासिक काम हुआ है मित्रों। मैं बताना चाहता हूं महाराज जी को कि जब आप योजना चालू किए थे तो महाराजगंज जिला 74 जिले में 73वें स्थान पर था, लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आपके नेतृत्व में आपके देखरेख में आज महाराजगंज जिला 74 में से 7वें स्थान पर आने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द उसको हम लोग नंबर एक में उत्तर प्रदेश पे लाने का प्रयास करेंगे। मित्रों आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार से हम सबको मिलता रहे, जिस प्रकार से आपने प्रदेश को प्रदेश का सोच बदलने का काम किया है। एक वो उत्तर प्रदेश था जहां लोग आने से कतराते थे, कोई बिजनेस करना नहीं चाहता था, एक बीमारू प्रदेश था, लेकिन जिस प्रकार से आपने काम किया है, लाइन ऑर्डर मेंटेन किया है और सही दिशा में काम किया है, क्योंकि 2014 में मोदी जी ने दिल्ली से तो योजना लागू कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार होने के नाते हमारे गरीब जनता को उस योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। और 3 साल तक चाहे मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, वो बहुत मामूली अंतर पर लोगों को मिला था। लेकिन 2017 के बाद परम पूज्य योगी आदित्यनाथ ने जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने ग्रहण किया सीट, तो आप कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार की जितनी भी योजना हो, चाहे मकान हो, शौचालय हो, बिजली हो, गैस हो, राशन हो, आयुष्मान भारत का कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, आज कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों में भारतवर्ष में नंबर एक पे उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम किया है जो परम पूज्य योगी आदित्य महाराज जी ने किया है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के समारोह में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण, यहाँ के स्थानीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, बिपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री श्री राम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, आज के समारोह में उपस्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा कई विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में जिनके पास एक लंबा अनुभव है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा सलाहकार प्रोफेसर डीपी सिंह जी, प्रदेश सरकार के फार्मा क्षेत्र के सलाहकार और भारत के पूर्व ड्रग कंट्रोलर डॉक्टर जयंत सिंह जी, कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, कुलपति महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर प्रोफेसर एके सिंह जी, आज के समारोह में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग से प्रोफेसर रामचंद्र रेड्डी जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय कार्य समिति से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी
प्रोफेसर शोभा गौड़ जी, डॉक्टर सेन सिन्हा जी, श्री प्रमथ नाथ मिश्र जी, श्री रामजन्म सिंह जी, महयोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, अभिभावकगण, अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण और विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़े हुए पाठ्यक्रम से सभी उपस्थित छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। एक वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान अनेक उतार चढ़ावों का सामना करते हुए जिस सुगमता सहजता के साथ महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अपने संस्थापकों के भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के निर्माण को एक नई गति दी है वह अत्यंत सराहनीय है और मैं इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं ही देता हूं। हम सब जानते हैं ठीक एक वर्ष पहले देश के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ था। उस समय भी ऐसे ही मौसम था, बारिश थी और उस दौरान भी ये लगता था कि कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम के दिश से कैसे हम इन कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे, ये एक बात थी। लेकिन प्रशासन के हौसलों ने और विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिलकर के उस समय माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम को बहुत कुशलतापूर्वक किया था। और ठीक एक वर्ष के बाद मैं वही सोच रहा था कि पिछले एक महीने से लोग बारिश के लिए तरस रहे थे, विश्वविद्यालय एक महीने पहले अपने स्थापना दिवस को मनाता तो इतनी अच्छी बारिश एक महीने ही यहां पर हो गई होती। रात्रि से ही बारिश है और मेरे आगमन के कुछ पहले तक लगातार बारिश पड़ती रही, लेकिन उस सब के बावजूद आपके हौसलों ने आपको यहां तक लाने में और कार्यक्रम के प्रति आपकी रुचि को यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम जब जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं तो हमेशा हमारे सामने कुछ चिंताएं होती हैं। चिंता इस बात की होती है कि पता नहीं क्या होगा, और हमारे जीवन की कठिनाई ही यहीं से शुरू होती है। हमें इति की चिंता होती है, अथ की नहीं, यानी हम लोग परिणाम की चिंता कार्य के शुरुआत होने के पहले ही करने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को एक ही बात कही थी कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हमने कुछ भी इससे प्रेरणा प्राप्त की होती तो हमारे कर्म के साथ ही हमारा फल भी जुड़ जाता और हम इति की चिंता नहीं करते बल्कि अथ की चिंता करते, यानी कार्य की शुरुआत कैसे करनी है। अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि विवेक लगा लें तो अपने आप ही उसके परिणाम
लक्षित होंगे जो हम चाहते हैं, उस प्रकार के परिणाम हम सबके सामने अपने आप ही आते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए हम सबको अगर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर होना है तो हमारा प्रयास कार्य की अच्छी शुरुआत की होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत होगी पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ, हम अगर उस कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकती है। अच्छी शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करिए। और विश्वविद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत की है, यह अच्छी शुरुआत इस बात की गवाही देती है। विश्वविद्यालय में आज आयुर्वेद की बीएमएस की पढ़ाई भी प्रारंभ हो चुकी है। मुझे पिछले दिनों विश्वविद्यालय के बीएमएस के छात्रों के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मुझे पिछले दिनों यहां पर और फिर इन लोगों के लखनऊ कुछ इन्होंने सेंट्रल लेबोरेटरी का इन लोगों ने वहां पर भ्रमण किया था, उस दौरान भी उनसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके मन में एक हौसला है, एक जज्बा है। अभी मैं यहां पर देख रहा था नर्सिंग में ENM, JNM, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, उनसे जुड़े हुए प्रशिक्षकों ने जिन्होंने अपने अपने क्लास में उत्तम स्थान प्राप्त किया है, उन्हें यहां पर विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया। पैरामेडिकल के ढेर सारे पाठ्यक्रम यहां पर प्रारंभ हुए हैं जो पूरी चिकित्सा स्वास्थ्य की नींव है, उसकी बैकबोन है, वह पाठ्यक्रम भी यहां पर प्रारंभ हो चुके हैं। इस नए सत्र में भी मुझे बताया गया कि अन्य अनेक कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं जो आज की आवश्यकता के अनुरूप इन छात्र छात्राओं को समाज और राष्ट्र के लिए अपने आप को एक योग्य नागरिक के रूप में साबित करने के उस प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाने, और विश्वविद्यालय ने मेहनत करके प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ MOU करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। यह एक वर्ष की उपलब्धि के साथ उसे जोड़ा जा सकता है, और इसलिए एक वर्ष की इस उपलब्धि के लिए संतुष्टि के साथ ही हमें अपनी आगामी शिक्षा क्षेत्र की उन चुनौतियों की तरफ और स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों की ओर अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि विश्वविद्यालय आरोग्य धाम में स्थित है। यहां पर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी कार्य हो रहा है। और मैं भी देख रहा था, मैं एक दिन एक समाचार पत्र की रिपोर्टिंग देख रहा था, विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं मेजर जनरल डॉक्टर अतुल बाजपेयी, आर्मी मेडिकल कोर के मेजर जनरल पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया और विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में आज अपनी सेवा दे रहे थे। उन्होंने यहां पर इस चिकित्सालय, यहां पर चिकित्सालय भी है, और मुझे बताया गया कि आज पहले स्थापना दिवस में एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन भी यहां पर आयोजित किया गया है। तो एक चिकित्सक होने के नाते एक स्वाभाविक जिज्ञासा कि इन क्षेत्रों में कौन से कारणों से अकस्मात लोगों की मौतें हो रही हैं, उसके कारण क्या हैं। उन्होंने विभिन्न यहां के चिकित्सालय के, गोरखनाथ चिकित्सालय के, मेडिकल कॉलेज, एम्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और आसपास के क्षेत्रों के कुछ डाटा इकट्ठे किए। लैब से उन्होंने उस डाटा को भी मिलान किया, जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी उसको भी मिलान किया, और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि वास्तव में मौत के आंकड़े किन बीमारियों के कारण थे जिन्हें हम बीमारी नहीं मानते थे, जिन्हें हम कुछ और कारण मानते थे। किसी को इंसेफ्लाइटिस मानते थे, किसी को मेंजलाइटिस मानते थे, किसी को हम डेंगू मानते थे, लेकिन इन सब से इतर उन्होंने अपना एक नया शोध प्रस्तुत किया कि नहीं, ये जो छुछुंदर होता है ना, चूहा, चूहा के पेशाब से भी एक बीमारी होती है, गांव में जो झाड़ झंकार होता है उसके कारण पैदा होते, और वह मौत का कारण था,
और वह सभी समाचार पत्रों ने उसे बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का काम किया था। और मुझे लगता है कि यह चिकित्सा क्षेत्र में, नर्सिंग क्षेत्र में, पैरामेडिक के क्षेत्र में या तमाम प्रकार के जो पाठ्यक्रम है, इन पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में भी जो अन्य अनेक शोध के अवसर हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में व्यापक अवसर है। एक एक अभियान हमारा हमारे लिए शोध का विषय बन सकता है, एक नए पब्लिकेशन का विषय बन सकता है, रिसर्च पेपर का विषय बन सकता है। हम उसके माध्यम से अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को जोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे, यही तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, फिर अपने रिसर्च को पेटेंट कराना और पेटेंट करा करके फिर अपने को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के संस्थान के रूप में स्थापित करना। यह विश्वविद्यालय और सभी संस्थाएं अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ेंगी तो सचमुच भारत शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्लोबल रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकता, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में इसी उद्देश्य से लागू भी की गई। कोरोना कालखंड में इसीलिए, आप सब जानते हैं, जब पूरी दुनिया कोरोना से पस्त थी, पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से अपने स्वयं के बचाव में लगी हुई थी, तब भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़े अभिनव कार्यक्रम चल रहे थे। यहां पर जीवन भी बचाया जा रहा था और जीविका को भी बचाने का कार्य हो रहा था। गरीबों के लिए फ्री में राशन की सुविधा हो रही थी, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया जा रहा था, लोगों के व्यवस्थित उपचार की सुविधा, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी। तो हर गरीब के लिए और भारत के हर नागरिक के लिए फ्री में टीका भी भारत की ही लैब में विकसित करने की कार्रवाई हो रही थी। आप अनुमान करिए, इंसेफ्लाइटिस से यह क्षेत्र 40 वर्षों से त्रस्त था और 40 वर्ष तक इंसेफ्लाइटिस के उपचार के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई थी। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुई। इंसेफ्लाइटिस का टीका, इसका वैक्सीन जापान ने 1905-6 में विकसित कर दिया था और भारत के अंदर उस वैक्सीन को आने में 100 साल लगे। जब 2006-7-5-6 में जब संसद ने अनेक बार मुद्दे को उठाने, सड़कों पर आंदोलन करने के परिणाम स्वरूप 100 साल के बाद करो इसका वैक्सीन, आपका इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ पाया था। ये पिछली सरकारों की कार्य पद्धति थी, लेकिन कोरोना महामारी आई, 9 महीने के अंदर भारत वैक्सीन लेकर के आ गया और विश्व स्तरीय वैक्सीन, जिसको दुनिया ने भी जिसके प्रभाव को स्वीकारा, आज वो वैक्सीन भारत के पास है और 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के अंदर अब तक सफलतापूर्वक लग चुकी है और वैक्सीन का जो कैंपेन चल रहा है पूरे देश के अंदर सफलता की जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने स्वयं 36 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगा दी हैं। ये चीजें साबित करती हैं कि करने की इच्छा शक्ति हो। अगर हम लोग ये डरते कि पता नहीं क्या होगा, मोदी जी भी यही सोचते, तो क्या हम वैक्सीन ले पाते, क्या हम 80 करोड़ गरीबों को देश के अंदर और 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर क्या फ्री में राशन दे पाते, फ्री में उपचार और फ्री में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करा पाते। हम भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते तो क्या 1 करोड़ श्रमिक और कामगार जो अपना अपना काम धाम छोड़ करके वापस आ रहे थे,
क्या इन्हें हम उनके गंतव्य तक पहुंचा पाते? कभी नहीं। हमने कहा चैलेंज है, चुनौती है, कि चुनौती हमारे लिए एक अवसर भी है, और इस चुनौती का सामना करते हुए हम हर एक कामगार और श्रमिक को उसके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, क्योंकि वह हमारा नागरिक है। एक भाव हम टेस्ट करेंगे। मुझे याद है जब कोरोना आया था, उत्तर प्रदेश में कोई टेस्ट लेबोरेटरी नहीं थी, एक भी टेस्ट यूपी में नहीं होता था। पहला पेशेंट जब आया था तो हम लोगों ने तब दिल्ली भेजा था उपचार के लिए, टेस्ट के लिए भी पुणे गया था हमारा सैंपल। लेकिन आज 4 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के अंदर है, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमने परिणाम की चिंता नहीं की, पहले परिणाम अच्छा हो इस पर फोकस होना चाहिए, लेकिन कार्य की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, हमने उसको अच्छा किया, परिणाम हमारे पक्ष में रहा, हमारे कोविड प्रबंधन को सर्वत्र सराहना मिली, और वह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम अच्छी शुरुआत करेंगे तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और यही आज प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे यहां पर कहना था, आज महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का भी स्थापना दिवस है, वहां के कुलपति जी भी यहां बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, आयुष के क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाओं को जन्म दिया जा सकता। मैंने आयुष के यहां पर आयुर्वेद के बच्चों से संवाद करते समय मैंने कहा था कि इतनी संभावनाएं इनके पास है, मॉडर्न जो हमारी चिकित्सा पद्धति है, हो सकता उसमें न हो। ये लोग चाहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ जुड़ सकते हैं, ये चाहे सरकारी सेवा के साथ जुड़ सकते हैं, ये चाहे तो मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से हजारों किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का माध्यम बन सकते हैं, और ये चाहे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अभिनव कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। नास्ति मोलो अनौषधय का जो यह भारतीय मनीषा का उद्घोष है कि कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, उस औषधीय गुण को प्रदान करने की सामर्थ्य भी केवल आयुर्वेद के बच्चों के अंदर ही है। आयुर्वेद के जो हमारे डिग्रीधारी हैं या इस फील्ड में जो लोग पैरामेडिक्स हैं, उन लोगों के पास ही इस प्रकार की संभावनाएं हैं। उस हर वनस्पति के अंदर ये लोग औषधीय गुण को देख करके उसको आरोग्यता के अनुकूल बना सकते हैं, और यह कार्य भी ये लोग अपने शोध से, अपने रिसर्च से आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दृष्टि से आज का ये प्रथम स्थापना दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया कि पिछले एक सप्ताह से माणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक और जिन्होंने माणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया, ऐसे ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की स्मृति व्याख्यान माला के भी एक साप्ताहिक कार्यक्रम में अलग 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 प्रकार के व्याख्यान विश्वविद्यालय में और माणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध अलग अलग संस्थानों में भी संपन्न हुए हैं। विश्वविद्यालय का इस व्याख्यान माला का जो व्याख्यान माला है उसका समापन का कार्यक्रम भी संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एक युग दृष्टा ऋषि थे। 1932 में उन्होंने गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी थी, और सफलतापूर्वक शिक्षा परिषद जब अपना कार्य कर रहा था तब गोरखपुर से आवाज आती है कि गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी है। तो गोरखपुर में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आया, जिसने कहा कि इसके लिए अगर राज्य सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो हम अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं
और दो महाविद्यालय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने दिए थे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला बनी और गोरखपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ होता है। आज भी विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण फैकल्टी वहां संचालित हो रही है। यानी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1956-57 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आगे आता है, इसके संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज आगे आते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर सके, ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने इस बीड़ा को फिर आगे बढ़ाया, जहां पर आज महाराणा प्रताप आप महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय है। इस पूरी भूमि की परिकल्पना को भी महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने ही यह परिकल्पना 2005 में यहां पर प्रस्तुत की थी, और फिर इस कार्यक्रम के साथ जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद जुड़ा तो यहां पर आज विश्वविद्यालय है। मैं इस अवसर पर इन दोनों पूज्य संतों के श्री चरणों में भी नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और विश्वविद्यालय ने एक व्याख्यान माला उनकी स्मृति में यहां पर किया। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, जिसमें इन पूज्य संतों का सानिध्य न प्राप्त हुआ हो। गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को, समाज को, और जहां आवश्यकता पड़ी उन प्रत्येक क्षेत्र में इन लोगों ने बढ़ करके आगे चल करके स्वयं की परवाह न करके गोरखस्पीड को माध्यम बना करके सेवा और लोक कल्याण के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज विश्वविद्यालय अपनी प्रथम स्थापना दिवस के कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़ रहा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अगले 9 वर्ष के अंदर अपनी शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा। कल्पना करिए 100 वर्षों की, यानी 91-92 वर्षों की यात्रा, कितनी अभिनव यात्रा है, कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे। कनेक्टिविटी नहीं थी तब यहां शिक्षण संस्थान खुलते हैं, साधन नहीं थे तब शिक्षण संस्थान खुलते हैं, और यहां के बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा से युक्त कैसे किया जाए उस दिशा में प्रयास होता है। आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उसी लक्ष्य को, उनके संस्थापकों के उसी प्रयोग को आगे करते हुए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय निरंतर उस पथ पर अग्रसर हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है, और अपने संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रहा है। आज गोरखपुर और हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश शिक्षा और चिकित्सा का एक नया केंद्र बिंदु बन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष गोरखपुर एम्स का उद्घाटन किया। गोरखपुर में एम्स होगा कोई सोचता था? गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना आज प्रारंभ हो चुका है। गोरखपुर में वे तमाम संस्थान जो कभी लोगों ने जिसके बारे में सोचा ही नहीं था, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में नेक की अभी जो ग्रेडिंग हुई थी उसमें ये ग्रेडिंग उन्हें प्राप्त होती है, ये दिखाता है विश्वविद्यालय सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक प्रयास हुआ, विश्वविद्यालय ने वह स्थान प्राप्त किया। यही प्रयास हर एक संस्था में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और उस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए हम सब अपने आप को तैयार कर सकें, यह आज की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत कैसी हो यह सफलता निर्भर करती है, और उस शुरुआत के लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को शिक्षा और स्वास्थ्य के अत्याधुनिक केंद्र के रूप में विकसित करें। यह देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य के लिए, जिस राज्य को यह भी गौरव है कि उसके पास सबसे अधिक युवा है, तो उस राज्य के लिए आवश्यक होगा कि उन युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए
हम लोग उस प्रकार के पाठ्यक्रमों के साथ, उस प्रकार की शिक्षा, उस प्रकार की चिकित्सा और उस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण साधन यहां पर उपलब्ध करवाएं जिसमें वह अपने उज्जवल भविष्य की तस्वीर को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर दें। भाइयों बहनों, हम लोगों ने वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। यूपी के युवाओं को अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की व्यवस्था प्रारंभ की है। जो जिन छात्रों का अभ्युदय कोचिंग के साथ सिलेक्शन हो रहा है उनको टैबलेट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर स्नातक परास्नातक हर युवा को राज्य सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा सके इसके लिए हम लोगों ने एक बड़े कार्यक्रम को सामने रखा है। इस समय एक चैलेंज हमारे सामने है कि कोरोना महामारी के कारण सेमी कंडक्टर की उपलब्धता न होने के कारण, प्रोडक्शन स्मार्टफोन और टैबलेट की न होने के कारण स्मार्टफोन को वितरण की गति थोड़ी कहीं ना कहीं बाधित हुई है, लेकिन हम लोग इस बारे में आश्वस्त हैं कि अगले 5 साल के अंदर 2 करोड़ युवाओं तक हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन के उन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे जिसमें उत्तर प्रदेश का हर युवा अपने आप को तकनीकी रूप से सक्षम भी पाएगा और पूरी दुनिया को अपने स्मार्टफोन और अपने टैबलेट के अंदर कैद करके उन ढेर सारी जानकारियों को जो उसके डे टू डे के कार्यों में आवश्यक है उन सब को अपने साथ अपनी जेब में अपने हाथ में लेकर के चलने में सक्षम हो पाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से 1 दिवसीय जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के लैंगिक न्याय, दिव्यांगता के पीड़ितों, यौन उत्पीड़न के सर्वाइवर्स के प्रति संवेदनशील बनाने के विषय पर दीक्षा भवन में सेमिनार का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने किया। इसके साथ ही मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। आपको बता दें कि शामिल होने वाले 250 से ज्यादा न्यायाधीश उच्च न्यायिक सेवा अधिकारियों में करीब 30 न्यायाधीश गोरखपुर विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र के रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने कहा कि न्यायाधीश पीड़ितों को न्याय दिलाते वक्त केवल कागजों के आधार पर ही फैसला न दें। महिलाओं, दिव्यांगता के पीड़ितों, यौन उत्पीड़न सर्वाइवर्स सरीखे मामलों में संवेदनशील रहें, उनकी मनोस्थिति को समझते हुए फैसला देने से पूर्व एक बार हृदय से भी जरूर सोचें। संवेदनशीलता की आवश्यकता हर जगह है। तब सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या न्यायाधीशों के पास हृदय नहीं है? बिल्कुल है। जब आपके पास किसी पीड़ित का कोई मामला आता है तो हमें और संवेदनशील होने की जरूरत है। उन्होंने विधि विभाग के छात्रों से कहा कि आने वाला समय आपका है, सेमिनार से सीखें, अपने साथ साथ लोगों को, महिलाओं, दिव्यांगों और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के प्रति जागरूक करें। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी न्याय देने के दौरान इन बिंदुओं पर अमल किया जाता है। वही कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि इस तरह के सेमिनार वक्त की मांग है, विश्वविद्यालय प्रशासन और विद्यार्थी इससे प्रोत्साहित होंगे। न्यायाधीशों के सेमिनार से जो निकल कर आएगा उससे शिक्षा जगत और विधि के छात्रों को लाभ होगा। अब विधि की पढ़ाई में विद्यार्थियों की तेजी से रुचि बढ़ रही है। देश भर में कई विधि स्कूल खोले जा रहे हैं, नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर, नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली और सिम्बायसिस इंस्टीट्यूट इनमें अग्रणी है। हर गुजरते दिन के साथ आज हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, जीएसटी लॉ, कॉपीराइट,
कॉपीराइट सरी की क्षेत्रों में विधि विशेषज्ञों की आवश्यकता है। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य न्यायाधीश व विधि के छात्र उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, respected Shri Vinod Singh Rawal, Director JTRI, all the respected district judges for participating justices, distinguished resource persons and other invitees, faculty members and students of Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur University and media persons, bride and girl victims or survivors of sexual abuse. I most humbly request now His Lordship Honorable Mr. Justice Siddharth Verma, the Administrative Judge Gorakhpur, to symbolize his life, hope, knowledge, hope. Music, art and speech for a constructive
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी टू रीड साइटेशन इन ऑनर ऑफ साइटेशन ऑफ ऑनर प्रेजेंटेड टू ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा इलाहाबाद है वी द दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी फैमिली फील एक्सट्रीमली प्रिविलेज टू वेलकम you sir in our midst the honorable justice Siddharth Verma of Allahabad High Court sir your distinguished career has reached new milestone of excellence and probity for other humanity let me happy This is a beautiful hall. I hope you will not feel bored by the day-long conference on a Sunday. And I wish that you all enjoy this, especially our students there. The time to come is yours. You will have to enjoy, learn from this conference, and go back a more educated individual. Members of our judicial fraternity, our host, as also our guest, the Vice Chancellor of the Pandit Deendayal University, Professor Singh, the other guests present, dear students, ladies and gentlemen, we have here the whole day for sensitizing our judges on gender justice and differently abled victims. Of the survivors of sexual abuse versus CBI and another, Siddharth versus State of Duty and another, and Patan Jamal Bani. I was one of these judges, and I found that following them would change the course of our thinking. Which is enlarged in Aparna Bhatt and others versus State of Madhya Pradesh and another, which is reported in 2021 Supreme Court Case 1492 AIR. I am sure the Judicial Academy could devise speedily the necessary inputs which have to be made part of the training of young judges. Sensitizing would equally be important for all other judges. All of the judges. In their continuing educational program for gender sensitization. If I pause here and put a question to myself and also to the audience, why did we necessarily arose for having this topic to have the conference on? जब तक पर्सनल टच नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता सर बंगा दिया एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया
जिसमें आसपास के 5 जिलों के सारे जजेस ने पार्टिसिपेट किया और इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा जी वॉज प्रेजेंट हेयर और वो जो इस रेंज के हैं, तो एक दो पर्पज़ था, एक तो जो जुडिशियल उसके हैं उसको वो करना, सिस्टम में जो खासकर चाइल्ड अब्यूज़ और इस पर हो रहे हैं डिसीजंस हो रहे हैं उस पर डिबेट करना, उसकी प्रोसीडिंग कराना, और उस पर विश्वविद्यालय ने भी पार्टिसिपेट किया, उनके टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे विद्यार्थियों को, टीचर्स के लिए एक मौका है सीखने का और जजेस से इंटरेक्ट करने का, और जजेस को ये मौका है कि ये सब चीज़ पे काम करने का। जी पौधरोपण भी किया गया है। हाँ, 3 पौधरोपण जो थे, डिस्ट्रिक्ट जज गोरखपुर और जस्टिस वर्मा और डायरेक्टर रावत, इन 3 लोगों ने। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में बोले सीएम योगी, कहा नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान से जुड़े युवा, नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को कमर कस कर तैयार है सरकार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से 1 दिवसीय जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के लैंगिक न्याय, दिव्यांगता के पीड़ितों, यौन उत्पीड़न के सर्वाइवर्स के प्रति संवेदनशील बनाने के विषय पर सेमिनार का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, महज कागजों के आधार पर फैसले नहीं, संवेदनशीलता का भी रखे ख्याल। सीएम योगी ने किया नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का अनावरण के साथ नवनिर्मित सभागार व प्रेरक परिषद भवन का भी लोकार्पण। कहा, तकनीकी आवश्यकता पर है संवेदनशीलता अपरिहार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है बहुत महत्वपूर्ण। संवेदनशील दृढ़ इच्छा शक्ति से तकनीकी का उपयोग होने पर होता है बेहतर लोक कल्याण। एक छात्र लुटेरे मनीष शाहनी को शाहपुर थाने के पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। लूट का एक मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। और ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने गोरखपुर व बस्ती मंडल के अध्यापकों के साथ की बैठक। कहा, पुरानी पेंशन बहाल करवाना ही है हमारी पहली प्राथमिकता। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तकनीकी आज की आवश्यकता है, लेकिन लोक कल्याणकारी विकास के लिए संवेदनशीलता अपरिहार्य है। सिर्फ तकनीकी में कैद होकर आत्मा को गिरवी नहीं रखा जा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीकी का बेहतर उपयोग तब होता है जब इसके साथ संवेदनशील दृढ़ इच्छा शक्ति जुड़ी होती है। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। वह रविवार शाम महात्मा गांधी कॉलेज परिसर में नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का अनावरण तथा इस शिक्षण संस्थान के संस्थापक राम गरीब लाल की स्मृति में नवनिर्मित सभागार और वरिष्ठ नागरिक प्रेरक परिषद के भवन का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संकट काल में जब दुनिया में अपनी शक्ति की दादागिरी दिखाने वाले देश पस्त थे, तब भारत ने पीएम मोदी के मार्गदर्शन में संवेदनशीलता और तकनीकी के सामंजस्य से मात्र 9 माह में 2 कोविड वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया के सामने मानवता की सेवा का नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत ने यह दिखा दिया कि उसमें विश्व गुरु बनने का सामर्थ्य है और आज हम उसी संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी ने विद्यार्थियों में जोश का संचार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का युवा सबसे ऊर्जावान है, इसे देखकर गौरव की अनुभूति होती है। आज वह देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यूपी का युवा आत्मीयता के भाव से कार्य करते दिखाई देते हैं। वह प्रदेश के विकास में योगदान देने को उत्सुक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम व दक्ष बनाने के लिए इस सरकार कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। अभ्युदय कोचिंग की योजना से अब उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार अगले 2 वर्षों में 5 करोड़ स्नातक परस्नातक तथा तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। अब तक 15 लाख छात्रों को स्मार्टफोन में टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर एक छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप आर्थिक स्वावलंबन के राष्ट्रीय पद पर आगे बढ़ते हुए समाज व राष्ट्र के हित में अपना योगदान दे। इसके लिए प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल योजना, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ODOP योजना आदि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षण संस्था का यह दायित्व है कि वह शासन की नीतियों से खुद को जोड़ते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराए। इन योजनाओं से जुड़कर विद्यार्थी डिग्री लेकर भटकने को मजबूर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को नसीहत देते हुए कहा कि आज समय के अनुरूप चलने की आवश्यकता है। जो भी समय की गति को नहीं समझेगा वह पीछे छूट जाएगा। हमें यह जानना होगा कि आज की आवश्यकता क्या है। समय अनुरूप निर्णय नहीं होने पर हम कोसों दूर रहकर एकाकीपन का हिस्सा हो जाएंगे, इसलिए हमें समय के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें यह विचार करना होगा कि आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक हम कैसा भारत देखना चाहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति और दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत देखने के लिए हमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए 5 प्रणों से खुद को जोड़ने का संकल्प लेना होगा। इसमें युवाओं की बड़ी भूमिका है। सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण करने में हम सब की जिम्मेदारी है। अपने क्षेत्र के कर्तव्य का पालन ही राष्ट्रीय कर्तव्य है और ऐसा करते हुए हम नए भारत की नई तस्वीर बनाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना हम सबका दायित्व और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी में यह भाव दिखाकर अभिनंदनीय कार्य किया है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रबंधक प्रेम नारायण श्रीवास्तव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेम बाबू जिससे भी मिलते थे उनके सहज व्यवहार से वह उनका हो जाता था।
शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है। कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से एमजी कॉलेज में 200 की क्षमता वाले कन्या छात्रावास की मांग की गई। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रस्ताव तैयार करके भेजिए, इस प्रस्ताव पर कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने तथा आभार ज्ञापन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ने किया। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी व महात्मा गांधी कॉलेज के प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, शिव नारायण श्रीवास्तव, श्रीमती ममता नारायण, गंगा दयाल श्रीवास्तव, दीप नारायण, हरिनंदन लाल श्रीवास्तव, पूर्वी नारायण, राहुल नारायण, MGPG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, MG इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के शिक्षण संस्थाओं के पूर्व शिक्षकों व मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। Yeah.
मजबूत हो चुके हैं, उस पर कुछ प्रेम कर रहे हैं। यहाँ से बैठे बैठे 1913 में यहाँ के जिलाधिकारी जेएम सिम्पसन साहब ने इसका शासन के या किसी निधि के हम लोगों ने बच्चों के सहयोग से धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया और 2020 में हमने इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और यह हॉल पूरी तरह सुसज्जित है और इस हॉल में एक वास्तविक का कार्य हमारी बेटी श्रुति की कंपनी ने कंप्रेस्ड एक्रो फाइबर जो महाराज जी के आशीर्वाद से 2018 में स्टार्टअप में यूपी में पुरस्कृत हुई थी। ये भी श्रीवास्तव जो हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल रहे थे और ये अनावरण मैं इस योजना के बारे में आपको बताना चाहूँगा क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित है। यह हमारी नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है। हमारे तीनों हम 6 एवं 7 पीरियड के स्थान पर 8 पीरियड चलेंगे। एक पीरियड नैतिक शिक्षा का होगा। हम लोगों ने यह जो परिषद गठन किया है इसमें 60 वर्ष के ऊपर के महिला और पुरुष इसके सदस्य हो सकते हैं। डॉक्टर प्रभा शंकर श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुबोध चंद वर्मा जी, नेताजी जी का सम्मान हो रहा है जी, भाई धर्मेंद्र जी को, विजय कुमार श्रीवास्तव जी, गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप की पहचान और हमारे वाटरिंग डिपार्टमेंट विद्वान शिक्षक, रसायन विभाग और इस महाविद्यालय के प्रधानमंत्री सानिया गुप्ता, रसायन विज्ञान में प्रियंका, अपति विज्ञान में श्रेया सिंह। कॉलेज की प्रगति में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी के समाज के प्रति लगाव और समर्पण केवल हमारी स्मृतियों में नहीं है, वो आप इस प्रांगण में देख सकते हैं, हर समाज में देख सकते हैं जिसके वो सदस्य थे। देश विदेश में आज भी उनकी प्रेम और उन्होंने क्या किया है, तरह तरह के समाज, तरह तरह के संस्थाओं के साथ आज भी जीवित है। सिर्फ कॉलेज ही नहीं, उनका योगदान रोटरी लॉज, सहजयोग, कायस महासभा, धार्मिक, कल्चरल, काफ़ी संस्थाओं के साथ था। और हैरानी की बात यह है कि उन सभी संस्थाओं में उन्होंने सबसे ऊंची पदवी प्राप्त की। जिस संस्था में वो जुड़ जाते थे उसमें पूरे लगन के साथ, तन मन के साथ उसमें अपना योगदान देते थे। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी की प्रतिमा के अनावरण एवं राम गरीब लाल सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष सम्मानित श्री शिवनारायण श्रीवास्तव जी, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के अध्यक्ष सम्मानित श्री कमला देव श्रीवास्तव जी, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज के अध्यक्ष श्री प्रदीप नारायण जी,
इस संस्था के पूर्व छात्र और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव श्री महेंद्रेश्वर नाथ पांडे जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी, राहुल नारायण जी, एमजीपीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार जी, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी इंटर कॉलेज श्री ओम प्रकाश सिंह जी, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, इस सोसाइटी के अंतर्गत संचालित तीनों संस्थाओं के सभी प्रबंध समिति के पदाधिकारी, सभी उपस्थित शिक्षकगण और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और इंटर कॉलेज से जुड़े हुए सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले इस संस्था के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी को, जिनकी प्रतिमा का आज अनावरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने अपने पूर्व प्रबंधक की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए आज उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के एक मूर्त स्वरूप को इस संस्थान में स्थापित करके विरासत के प्रति सम्मान का जो भाव व्यक्त किया है वह अत्यंत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं इसके लिए नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज प्रबंध समिति के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम सब जानते हैं कि 1909 में नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 113 वर्ष पहले जिस संस्था ने गोरखपुर में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योगदान करना है, यह एक संकल्प लिया होगा, स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम भी उसी रूप में आज हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज रविवार है और रविवार के साथ ही किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का सामान्य कार्य दिवस प्रातः काल 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक होता है। रविवार के साथ 4 बजे के बाद अपने संस्थापक और संचालक की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता, 11,000 छात्र छात्राओं की उपस्थिति विरासत के प्रति सम्मान के एक उत्कृष्टतम उदाहरण को प्रस्तुत करता है। यही भारत है। स्वर्गीय प्रेम नारायण लाल श्रीवास्तव जी के बारे में कौन ऐसा उत्तर प्रदेशवासी होगा जो उनके बारे में न जानता रहा। कृपा और सरलता के कारण जिससे भी प्रेम बापू का संपर्क और संवाद होता था वो उनका हो जाता था। कितना उनके मन में आत्मीयता का भाव होता था और यही कारण रहा है कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज रहा हो या डिग्री कॉलेज, रामनारायण लाल इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज हो या फिर
यहाँ पर अधिवक्ताओं के बीच में कार्य करते हुए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए किए गए उनके प्रयास। गोरखपुर के विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के साथ उनका जुड़ाव एक अलग ही व्यक्तित्व लगे प्रेम बाबू का हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आज भी हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका सहृदय का पूर्ण व्यवहार, आत्मीयता पूर्ण जो व्यवहार था, वह आज भी हर व्यक्ति को प्रेरित करता है, एक नई दिशा देता है। और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की उन्नति, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की प्रगति के पीछे भी स्वर्गीय प्रेम बाबू का वह परिश्रम और पुरुषार्थ था कि जिसके पास भी वे गए सहजता के साथ उसे अपना बना लिए और देखते ही देखते यह एक प्रतिष्ठित संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश का बन करके इसने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनंदनीय कार्य किया और निरंतर आज भी अपने संस्थापकों की भावनाओं के रूप यह संस्थान कार्य कर रहा है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान की सदी के सबसे बड़े महामारी का सामना भी हाल ही में हम लोगों ने किया। कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपने देखा होगा पूरी दुनिया फंसी थी, समृद्धि के लिए दुनिया पर दादागिरी दिखाने वाले तमाम देश एक अदृश्य वायरस के सामने पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे। उनकी समझ ही में नहीं आ रहा था क्या होना है, कैसे इससे लड़ना है, कैसे इसका प्रबंधन करना है। कहीं ना कहीं कोई बोर्ड जरूर होगा कि हमने चुनौतियों से जूझने के लिए शिक्षा व्यवस्था ने हमारे युवाओं को या ऐसी पीढ़ी को तैयार करने में कहां कोई कमी रह गई हो कि कोरोना के सामने दुनिया पस्त थी, लेकिन दुनिया के सामने भारत अपने आप में उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना देर किए निर्णय लेकर के देश के अंदर जीवन और जीविका को बचाने के जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सबसे अच्छा माना गया। जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इस संस्थान में ज्यादातर छात्र छात्राएं गोरखपुर महानगर जनपद, गोरखपुर कमिश्नरी, बस्ती कमिश्नरी और आसपास के जनपदों के ही यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। और हम सब जान रहे हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये सभी जनपद भैया इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी की चपेट में थे। 1 से 15-16 वर्ष तक के आयु तक के बच्चे प्रतिवर्ष इस इस बीमारी की चपेट में आते थे और समय कालक्रमित होते थे और उसके उपरांत केवल समाचार पत्रों की सुर्खियों तक ये सभी समाचार सीमित रह जाते थे। इंसेफ्लाइटिस के उपचार के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, गोरखपुर के एक सांसद के रूप में सड़क से संसद तक हम लोग अनवरत इस लड़ाई को लड़ते थे, लेकिन इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905-6 में बन गया था और भारत तक पहुंचते पहुंचने में उस वैक्सीन को 100 साल लगे। 100 साल कोरोना महामारी में
लिए 9 महीने के अंदर एक नहीं दो दो वैक्सीन भारत के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाई। और अब तक कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ डोजेस फ्री में भी लगाई जा चुकी है। यानी यहां सरकारों की इच्छा शक्ति जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि तकनीक हो तो तकनीक का उपयोग हम लोग कल्याण के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम तकनीक में कैद होकर के नहीं रह जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तकनीक आज की आवश्यकता है, लेकिन तकनीक में कैद होकर के हम अपनी आत्मा को गिरवी नहीं रख सकते। तकनीक का उपयोग तब जब मनुष्य अधिकाधिक संवेदनशील ही बने, और कोरोना वैक्सीन यह सरकार की संवेदनशीलता का ही परिचायक है कि जनता के प्रति अपनी जवाबदेही और संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हुए समय पर वैक्सीन, समय पर उपचार, समय पर टेस्ट और समय पर हर गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा, यह सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा था। सरकार ने इस कार्यक्रम को सफलता जब दुनिया कोरोना महामारी में पस्त थी, तब भारत अपने आप को दुनिया के अंदर एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा था। ये संकल्प जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने रखा है, और मैं धन्यवाद दूंगा क्या यहां पर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने अपनी संस्थाओं में रिटायर्ड शिक्षकों को मेंटर के रूप में स्थापित करने के लिए जो एक अभिनव प्रयोग प्रारंभ किया है। रिटायर्ड शिक्षक संस्थान में आएंगे, वहां पर रह करके वे इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे, और कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के साथ साथ न केवल अपने अनुभव का बल्कि नैतिक रूप से इन बच्चों को समाज और राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्वों के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, बल्कि उन्हें एक योग्य नागरिक के रूप में किन कर्तव्यों का पालन करना है इसके बारे में भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। एक अभिनव प्रयोग है, मैं नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज का यह समय हम सबको समय के अनुरूप आगे बढ़ने के लिए सदैव सजग रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। जो भी समय की इस गति को नहीं समझ पाएगा वह बहुत पीछे छूट जाएगा। समय की तेज गति के साथ हमें अपने आप को जोड़ना होगा, हमें अपनी गति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज की आवश्यकता क्या है, अगर हम समय के अनुरूप नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे उसके अनुरूप, अगर हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे तो हम फिर कोसों दूर रह जाएंगे, हमसे समाज कई आगे निकल जाएगा, और प्रतिस्पर्धा में अगर पिछड़ने का मतलब हम अपने आप को अकेले महसूस करने के, एकांकीपन जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। हम एक समय के रूप अपने आप को तैयार करना होगा, और समय के रूप तैयार करने के लिए आज की आवश्यकता क्या है। सरकार ने इस संबंध में बहुत सारे निर्णय लिए, और मैं अक्सर जब किसी शिक्षण संस्थान में जाता
से निरपेक्ष क्यों हो गई। जिस समाज ने हमें जीने के लिए उचित माहौल दिया है, क्या उस समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? हर व्यक्ति का दायित्व है। हमारे निर्माण में केवल मेरी व्यक्तिगत मेहनत ही या मेरे परिवार की मेहनत ही सहायक नहीं है, इसमें पूरे समाज का कंट्रीब्यूशन है, हर एक का योगदान है। तब एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और फिर वह लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर पाता है। समाज के प्रति उन उत्तरदायित्वों को समझने का प्रयास, एक छात्र जब आगे बढ़ता है योग्य नागरिक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आगे बढ़ता है, उनके माता पिता उनके शिक्षक का योगदान होगा, लेकिन साथ साथ समाज का भी उस पर एक ऋण है। उस ऋण से वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता और इसलिए समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझना। दूसरा, शासन की नीतियों के साथ अपने आप को जोड़ना। शासन की नीतियों के साथ कि केंद्र और राज्य सरकार ने कौन से ऐसे कार्यक्रम युवाओं के लिए दिए हैं, समाज के अलग अलग तबके के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनको लागू करने से किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का और समाज के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम कारण बन सकते हैं। युवाओं के लिए ही अगर हम देखें, कार्यक्रम है जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हर एक छात्र अपनी रुचि के अनुरूप कार्यक्रम को तय कर सकता है और अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को उसके अनुरूप ढाल करके अपने आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी तैयार कर, स्वयं तैयार कर सकता है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो या प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो या प्रधानमंत्री डिजिटल योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या फिर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो या वे तमाम प्रकार की योजनाएं तो युवाओं को एक आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय की योजना, स्वामी विवेकानंद तकनीकी सशक्तिकरण की योजना और भी अनेक योजनाएं हैं, जिन योजनाओं की जानकारी हर छात्र छात्रा के पास अगर रहेगी तो वह अपने आप को, अगर कहीं उसे लगता है कि उसे स्वयं अपने पैरों पर आर्थिक रूप से खड़ा होकर के स्वावलंबन पर अग्रसर होना है, तो ये सभी योजनाएं उसके लिए अत्यंत सहायक हो सकती है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं इन सब से अपने आप को दूर कर देती है और अंततः छात्र छात्रा उससे वंचित रह जाता है। अपनी डिग्री लेने के बाद वो भटकता है, मुझे अब क्या करना है। ये प्रशिक्षण हमें उसकी डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के दौरान ही उपलब्ध कराना पड़ेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए आपको उचित मंच प्रदान कर रहा है। एक साथ आपको ये सुविधा होगी कि आप अपनी शिक्षा के साथ साथ स्वरोजगार के लिए भी उस प्रकार के मंच को उपलब्ध करा सकते हैं और उस प्रकार का रास्ता चिन्हित कर सकते हैं जिसमें माँ बाप के ऊपर ही आश्रित होने की बजाय हर छात्र और छात्रा स्वयं में अपने आप को सक्षम और तकनीक से युक्त भी बना सकता है। सरकार ने इसी दिशे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, अभ्युदय कोचिंग की सुविधा। मुझे याद है कोरोना कालखंड में जब उत्तर प्रदेश के हजारों युवा अन्य प्रदेशों में फंस गए, कोचिंग लेने के लिए गए, यहां लॉकडाउन की घोषणा हो गई, अब परिवार में इस बात की चिंता हो गई कि वो बच्चे आएंगे कैसे। मैंने संबंधित राज्य सरकारों से बातचीत की, वे तैयार नहीं थे। फिर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो मैं अपनी बसेज भेज रहा हूं, आप हमारी बसेज को रोकेंगे नहीं। और फिर मुझे
उत्तर प्रदेश से एक साथ 500 बसें भेजनी पड़ी थी उन राज्यों में और वहां से उन बच्चों को सुरक्षित लेके आना पड़ा। परिवारों को लेकिन एक चैलेंज हम सबके सामने था कि बच्चे कोई नीट की तैयारी करने के लिए गया है, कोई आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए गया है, कोई एमबीए की तैयारी के लिए वहां कोचिंग ले रहा था, कोई राज्य के पीसीएस की सर्विस के लिए और कोई यूपीएससी की सर्विस के लिए वहां पर अपनी तैयारी करने के लिए गया था, अलग अलग क्षेत्र में कोई बैंकिंग पीओ के लिए गया था। इस सुविधा को हम उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा लें और इसमें कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हम इसको उपलब्ध करवाएंगे। जब इस पर कार्यवाही प्रारंभ हुई तो उसी क्रम में सरकार ने तय किया कि हम मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की योजना शुरू करेंगे जो निःशुल्क होगी हर छात्र के लिए, हर छात्रा के लिए, और इसमें दोनों सुविधाएं हम देंगे। एक कोचिंग के साथ जुड़ेंगे वे लोग जिन्होंने स्वयं इस फील्ड में सफलता प्राप्त की है और दूसरा इस फील्ड में सफलता प्राप्त करने के साथ ही इसे हम फिजिकली भी देंगे और वर्चुअली भी व्यवस्था देंगे। आज आप देख रहे होंगे लाखों युवा उत्तर प्रदेश की अभ्युदय कोचिंग की सुविधा के साथ जुड़े हुए हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उन्हें हम लोग प्रदेश के अंदर टैबलेट भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा उत्तर प्रदेश इस बात के लिए गौरव की अनुभूति कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के साथ ही सबसे ऊर्जावान और प्रतिभावान युवा भी उत्तर प्रदेश के पास है और मुझे उत्तर प्रदेश के अपने युवाओं पर गौरव की अनुभूति होती है। देश के अंदर कहीं मैं जाता हूं, दुनिया के अंदर कहीं भी मैं जाता हूं, मुझे उत्तर प्रदेश का युवा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई देता है, मेहनत करते हुए दिखाई देता है और उत्तर प्रदेश के प्रति आत्मीयता का भाव रखते हुए दिखाई देता है। जब भी मैंने उनसे आह्वान किया यूपी के बारे में वह बढ़ चढ़ करके आगे आकर के उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। तो हमारा यह उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान युवा है जो कॉलेजेस में अध्ययन कर रहा है, विश्वविद्यालय में, तकनीकी संस्थानों में, मेडिकल के संस्थानों में अध्ययन कर रहा है, इस युवा को तकनीक से श्रेष्ठ तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए भी राज्य सरकार कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। इस जिससे हम लोगों ने अभिनव योजना प्रदेश के अंदर चलाई है कि हर स्नातक और उपस्नातक छात्र अथवा छात्रा को हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन की सुविधा से युक्त करेंगे और इसमें अब तक हम 15 लाख युवाओं को इस सुविधा दे चुके हैं। आगामी 5 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को इस सुविधा से जोड़ने के कार्यक्रम के साथ सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। इन्फोसिस जैसी संस्थाओं को हमने इसके साथ जोड़ा है कि प्रोग्राम थे आप एक साथ अपने कॉलेज में बैठ करके अपने घर में बैठ करके दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी में किसी भी विषय से संबंधित कौन सा पाठ्यक्रम वहां पे संचालित हो रहा है इसको देख सकते हैं और उससे अपना ज्ञानार्जन भी कर सकते हैं। ये सुविधा राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ने जा रही है और ये कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं अपने सभी युवाओं से कहना चाहूंगा हम समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करें और ये हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की स्थापना हुई थी 1969 में जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी महोत्सव को पूरे हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर रहा था 1969 और 1969 में महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की स्थापना होगी। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर का एक प्रतिष्ठित पीजी कॉलेज था जिसने साइंस बैकग्राउंड
एक मजबूत आधारशिला यहाँ पर रखी है और देखते ही देखते यहाँ से हजारों की संख्या में अच्छे साइंस ग्रेजुएट साइंस प्रास्नातक यहाँ से गए और देश और दुनिया के अंदर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाओं के माध्यम से न केवल कॉलेज को बल्कि गोरखपुर और उत्तर प्रदेश को भी एक प्रतिष्ठा दिलाने में अपना योगदान दिया और यह वर्ष हम सबके लिए सौभाग्यशाली है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य पर्व पर 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को अपने संबोधन में देश के नागरिकों का आह्वान किया। आह्वान इस बात को लेकर करते हुए उन्होंने पंच प्रण के साथ देश को जोड़ने के लिए कहा, ये पंच प्रण हमारे संकल्प के हिस्से होने चाहिए। ये पंच प्रण इस बात को लेकर के कि जब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा उस समय हमें कैसा भारत चाहिए, कैसा भारत चाहिए, एक सक्षम और समर्थ भारत चाहिए, दुनिया के अंदर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ भारत चाहिए, एक ऐसा भारत चाहिए जो दुनिया को नेतृत्व देते हुए दिखाई देना चाहिए, जो दुनिया के पीछे भागने वाला नहीं जिसके पीछे दुनिया भागती हुई दिखाई दे। आज हमारा युवा अगर खड़ा हो जाए, समाज जीवन का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा हो जाए, हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे, एक सक्षम और समर्थ भारत का निर्माण करेंगे। ये केवल सरकार का दायित्व नहीं, हर भारतवासी की जिम्मेदारी बनती है। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना ही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और इस दिशा में हमारा प्रयास अगर आगे बढ़ता है ये नए भारत की नई तस्वीर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। राम गरीबलाल जी ने 1909 में 12-15 एकड़ लैंड गोरखपुर महानगर के बीच में थी तब नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है 1909। कल्पना करिए, देश गुलामी की भेड़ियों से चकड़ा हुआ था, हर चल रही थी। 1909 में नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है, उसके 12-13 वर्ष के बाद 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना घटित होती है, 1942 में डहोरिया की घटना घटित होती है और 1947 में देश आजाद होता है। शिक्षा उस समय के महापुरुषों के लिए कितना महत्वपूर्ण था, वे जानते थे किसी भी सशक्त और समर्थ राष्ट्र की आधारशिला है शिक्षा, उसके सर्वांगीण विकास की नींव है शिक्षा। शिक्षा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते और उस दिशा में सक्षम बनाने के लिए गोरखपुर आसपास के सभी छात्र छात्राओं को यहाँ पर उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सके नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना होती है और नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी विगत 113 वर्षों से निरंतर अपने संस्थापकों के मार्गदर्शन में और अपने संचालकों के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज जीवन के शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ता हुआ आज यहाँ पर न केवल अपने संस्थापक स्वर्गीय राम गरीबलाल जी के स्मृति को तरोताजा बनाए रखने के लिए एक नए सेंटर को जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित होती है उस महापुरुष के नाम पर एक केंद्र यहाँ पर संचालित होने लगता है और चाचा जिन्होंने 50 वर्षों तक इस संस्थान को नेतृत्व एक यशस्वी नेतृत्व दिया एक नई ऊंचाइयां दी। स्वर्गीय प्रेम बाबू की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम उनकी स्मृतियों को तरोताजा करते हुए इस संस्थान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं
यहाँ पर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने जो प्रस्ताव मेरे सामने रखे हैं इच्छुक प्रस्ताव मुझे दे देंगे तो हम लोग अवश्य कार्रवाई करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से स्वर्गीय प्रेम बाबू की स्मृतियों को नमन करते थे। हो गया ना, उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक शिक्षा भी होते थे। आप सोचिए प्रेम बाबू 91 वर्ष की आयु जी, अपने समय में उन्होंने MSc LLB भी की थी, यहाँ के प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे, एक शिक्षाविद भी थे, इस संस्थान के संचालक प्रबंधक भी थे और साथ साथ उन्होंने अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ जुड़ करके गोरखपुर को सदैव विकास के पथ पर अग्रसर करने का जो सपना देखा था आज वो सपना साकार हो रहा है। मैं इस अवसर पर उस महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महाविद्यालय परिवार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार करते हुए राष्ट्र को योग्य और सक्षम नागरिक देने में सफल होगा इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। शाहपुर थाने की पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कुआं तिराहा के पास पानी की टंकी के पीछे से गिरफ्तार किया गया है जिसकी पहचान मनीष साहनी पुत्र स्वर्गीय मंटू साहनी निवासी बंगला चौराहा थाना पिपराई जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है जिसके पास से चोरी का एक मोबाइल बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 11 अप्रैल को शाम 7:10 पर आवेदिका प्रियंका पासवान पुत्री शंकर प्रसाद निवासी मोहल्ला चरगामा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर राप्ती नगर से कोचिंग पढ़ाकर अपने घर चरगामा ब्लॉक के लिए जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवेदिका का मोबाइल छीन लिया गया जिसके तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा स्वाट टीम प्रभारी मनीष कुमार यादव हड़ावा फाटक चौकी प्रभारी रामानुज सिंह यादव हेड कांस्टेबल राम विलास यादव प्रीतम कुशवाहा गौरव कुमार यादव शामिल रहे। ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने गोरखपुर व बस्ती मंडल के अध्यापकों के साथ PWD के सभागार में बैठक की जिसके संबंध में ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने बताया कि अटेवा के संघर्षों के सुखद परिणाम आने शुरू हो गए हैं जिसके फलस्वरूप 3 राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है और वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। अटेवा का अभियान पुरानी पेंशन बहाली होने तक अनवरत जारी रहेगा। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है जिसे हमें हर हाल में प्राप्त करना है। यदि सरकार
पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो सभी कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा, निजीकरण देश के लिए अभिशाप है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे, महामंत्री ज्ञान प्रकाश सिंह, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद, अशोक कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, ये अटेवा की आज दो मंडलों की, गोरखपुर और बस्ती मंडल की पदाधिकारियों की ब्लॉक जिला और मंडल पदाधिकारियों की बैठक है और बैठक में संगठन की क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, उसकी क्या मजबूती है, इस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और आगामी जो कार्यक्रम होने हैं उसकी तैयारी करना है और इसी विषय को लेकर अटेवा लगाता है, क्योंकि हमारा एक ही विषय पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति, इसी विषय की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में संगठन की मजबूती के बाद बड़े कार्यक्रम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार अभियान चल रहा है, अभी हमारा 15 जुलाई से जागरूकता अभियान चल रहा है और 15 सितम्बर तक चलेगा। 15 सितम्बर के बाद फिर हम बड़े कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे और उसी तैयारी के सिलसिले में आज हम दो मंडलों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दुबे, जिला अध्यक्ष अटेवा गोरखपुर। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएम ओपीएस और प्रदेश अध्यक्ष अटेवा के माननीय विजय बंधु जी का आगमन मंडली समीक्षा के हैसियत से हुआ है। यहाँ पे आज वो मंडली समीक्षा के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। हम सभी मंडल गोरखपुर और बस्ती के पदाधिकारी सब इकट्ठा होकर के समीक्षा बैठक में भाग लिए हैं। हम लोगों की एक ही मांग है राज्य सरकार से भी, देश के सरकार से, कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के हित में है, उसे बहाल किया जाए। और आज एक संकल्प भी हम लोग ले रहे हैं कि जब तक पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी, अनवरत आंदोलन हम लोग करते रहेंगे। सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने का हमारी भाषा, हमको भी इच्छा है, लेकिन वो हमारी पेंशन बहाल करें। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम, सोमवार को लखनऊ के लिए होंगे रवाना। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रथम स्थापना दिवस समारोह में बोले सीएम योगी, कहा, नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान से जुड़े युवा, नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को कमर कसकर तैयार है सरकार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से एक दिवसीय जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के लैंगिक न्याय, दिव्यांगता के पीड़ितों, यौन उत्पीड़न के सर्वाइवर्स के प्रति संवेदनशील बनाने के विषय पर सेमिनार का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एवं गोरखपुर के प्रशासनिक जज सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, महज कागजों के आधार पर फैसले नहीं, संवेदनशीलता का भी रखे ख्याल। सीएम योगी ने किया नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय प्रेम नारायण श्रीवास्तव की प्रतिमा का अनावरण के साथ नवनिर्मित सभागार व प्रेरक परिषद भवन का भी लोकार्पण। कहा, तकनीकी आवश्यकता पर है संवेदनशीलता अपरिहार्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है बहुत महत्वपूर्ण, संवेदनशील दृढ़ इच्छा शक्ति से तकनीकी का उपयोग होने पर होता है बेहतर लोक कल्याण। एक छात्र लुटेरे मनीष शाहनी को शाहपुर थाने के पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। लूट का एक मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। और ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने गोरखपुर व बस्ती मंडल के अध्यापकों के साथ की बैठक। कहा, पुरानी पेंशन बहाल करवाना ही है हमारी पहली प्राथमिकता। आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।